अपना नाम बताइए। मेरा नाम शेर सिंह है जी, गांव से आना सादा, तहसील पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र। क्या लगता है, बदलाव जरूरी है कि नहीं? जरूरी है जी बदलाव तो। हाँ जी, अब हम पढ़े लिखे होकर भी ये रिक्शा चला रहे हैं, ये पढ़े लिखों का काम नहीं है जी, ये तो अनपढ़ भी चला सकता है जी। ठीक है जी, अब हम स्टडी करके, प्लस टू करके या कोर्स करके भी ये बेरोजगारी वाला काम कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा है जी? ठीक है जी, बस जी मैं तो बस रोज़गार नहीं मिला आप लोगों को। मिला जी, रोज़गार नहीं मिला जी। हाँ जी, बहुत जगह धक्के खाए हैं जी, पेपर भी दिए हैं पर नहीं कहीं जगह। पेपर भी तो लीक हो जाता है। लीक हो जाता है जी पेपर भी। हाँ जी, पेपर भी बहुत जगह दिए हैं, पहले लीक हो जाता है पेपर तो। हाँ जी, बस पोस्टपोन कर देते हैं बस जी। तो इस बार बदलाव ज़रूरी है। हाँ जी, बदलाव ज़रूरी है। अच्छा एक बात बताइए, सुशील कुमार गुप्ता जी कैसे लगते हैं? सुशील कुमार गुप्ता ठीक है जी, छवि भी उनकी अच्छी है, पढ़े लिखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो लगता है कि कुछ बदलाव होगा? देखो जी, होना चाहिए बदलाव तो, मैं तो यही कहूँगा कि बदलाव हो। हाँ जी, रोज़गार मिले आप लोगों को, युवाओं को रोज़गार मिले, दर दर ना भटके। हाँ जी, हाँ जी, दर दर ना भटके, ये तो बेरोजगारी वाला काम है जी, ये तो मान लो अनपढ़ों का ही काम है जी, ये इतनी स्टडी करके भी हम ये काम कर रहे हैं, ये हमको अच्छा थोड़ी लगता है। ठीक है, पर पेट के लिए तो करना पड़ता है। हाँ जी, बच्चे फैमिली है, उनको तो पालना है जी, यही है जी, बस इतना ही कहूँगा मैं तो। क्या चाहते हैं मेम्बर? हाँ जी, इधर को बोल आ रहा, इधर यहाँ यहाँ आप अपना नाम बताइए। सुनील नाम है जी मेरा। कहाँ से हो? ये गांव गलेडवा है मेरा। क्या लगता है कौन आएगा इस बार? इस बार तो आम आदमी का ही है चांस, आम आदमी है। बीजेपी ने किसानों को ही परेशान कर रखा है, मजदूर अपना मजदूर भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, बाकी आम आदमी का ही है सिस्टम। तो आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीद लगाते हैं आप? देखो, फ्री का सौदा नहीं होना चाहिए, चाहे पब्लिक से पैसा ले लो, काम बढ़िया होना चाहिए, बस ये चीज़ चाहिए मेरे को तो। रोज़गार भी मिलना चाहिए। हाँ, रोज़गार भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए देश का। और जैसे सड़कें का बुरा हाल है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, इनकी फसल टाइम पे उठाई जाए, बस यही चाहिए। आपको लगता है कि देश एक तानाशाह के हाथ में है? अब लग रहा है जी, पहले जो शुरू में तो ठीक था, अब ज़्यादा तानाशाही लग रही है, अब ज़्यादा। किस प्रकार से लग रही है तानाशाही? जैसे किसानों पर भी अत्याचार हो रहा है, अभी हमारी जो महिला खिलाड़ी थी प्रदर्शन कर रही थी। अब लग रहा है, अभी साल दो साल डेढ़ साल हो गया, अब ज़्यादा लग रहा है ये चीज़। आप लोग चाहते हैं कि बदलाव हो? होना चाहिए, पहले शुरुआत में चार साल तो ठीक रहा है, अब ज़्यादा हो गया है, तानाशाही हो गया। तो आपको ये भी लगता है कि जैसे जो जिंदल थे उनको डर से ही वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए? नवीन जिंदल हो सकता है, इनका इतना तगड़ा कारोबार है, इंडस्ट्री है इतना, तो हो सकता है। बीजेपी ने ही उन पे एलिगेशन भी लगाया था, कोयला चोर बोला था उनको। ये तो नहीं पता है जी, मैं इतना बताया भी उसका बिजनेसमैन है बंदा, तो कल को कुछ भी हो सकता है, इसी करके अपना। सुशील कुमार गुप्ता को लोग बोल रहे हैं कि जमीनी तौर पर जुड़े हुए नेता हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और ठीक है जी बंदा तो, कि देखो अगर उनको टिकट मिल जाए तो। टिकट मिल गया है वो, सुशील कुमार गुप्ता कुरुक्षेत्र से लड़ रहे हैं गठबंधन सरकार में। चलो अभी इतने उनके बारे में तो नहीं पता, जो अभी जो पुराने नेता हैं उनको उनके बारे जानते हम, जैसे नवीन जिंदल हो गया, बलबीर सैनी हमारे पेवा से हो गया, ठीक है जी, सचिन मित्तल हो गया। तो इस बार बीजेपी को हटाना है? हाँ लग रहे हैं चांस। हाँ जी, तानाशाही ज़्यादा हो रही है जी, कोई भी अगर बोलता है उनके खिलाफ उठा के जेल में डाल, बस ये कर रहे हैं काम बीजेपी वाले। हाँ जी, उनके नेता के बारे में नहीं कोई बोल सकता, बस ये चीज़ है जी। तो एक प्रकार की तानाशाही है देश में चल रही है? तानाशाही चल रही है, अब डेढ़ दो साल से तानाशाही हो रही है। अभी करनाल में हुआ था वाक्य रिपोर्टर के साथ, उनकी पूरी बात सुनी नहीं, क्या हुआ क्या नहीं, उनको डाल दिया जाके,